समाज हित से जुड़े कई मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने ब्योहारी में कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें सांसद रीति पाठक बतौर अतिथि मौजूद रहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने यह आयोजन ब्योहरी स्थित साई मंदिर के पास आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद रीति पाठक रहीं। कार्यक्रम में ब्योहारी विधायक शरद कोल और अखिल भारतीय ब्राह्मण सेवा संस्थान के अध्यक्ष संतोष उपाध्याय मुख्य रूप से मौजूद रहे। अखिल भारतीय ब्राह्मण सेवा संस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि समाज के हित के लिए हम आगे बढ़े, और निश्चित रूप से ये किसी राजनीतिक विषय या वस्तु से प्रेरित कार्यक्रम नहीं था, और इसका उद्देश्य कि स्वास्थ्य की दिशा में, समाज जनहित की दिशा में, शैक्षणिक दिशा में और अपने बच्चियों को जिनकी शादियाँ हो सके ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में ये समाज आगे बढ़ सके, ऐसा कुल मिला के संस्था का उद्देश्य है। और संस्था में जो भी ब्राह्मण समाज के लोगों को एकत्रित किया गया तो उसमें उनको ये आह्वान किया गया कि आप सबके सहयोग से इस संस्थान को अग्रसित किया जाए और समाज हित में आगे लेकर जाए। आज जो है हमारे ब्योहारी क्षेत्र के ही सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुधार के लिए जिस तरह से ब्राह्मण महासभा के इस आयोजन में जो हमारे यहाँ के जो नेतृत्व करता है आदरणीय संतोष जी के नेतृत्व में और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व ने जो है इस कार्यक्रम का संचालन किया, आयोजन किया और उसमें एक समाज में एक अच्छी व्यवस्था निर्मित हो ऐसे विचारों के लेकर उन्होंने एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। उसमें क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवी ब्राह्मण समुदाय के सारे लोग आए थे और उन्होंने अपने अपने विचार रखे समाज को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है और समाज में जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो जिनके पास आज धन का अभाव है जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बच्चियों को शादी नहीं कर पा रहे, इस तरह से अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात कैसे मिल सके, ये संघ हमारा क्या करके उनको देगा, एक दिशा और दशा तय करने की बात को लेकर यहाँ पे आज संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनकी कन्याओं के विवाह के लिए, उनके इलाज के लिए, उन बच्चों के लिए जो मार्जिनलाइज फैमिली से हैं, मार्जिनलाइज फैमिली मतलब वो जो जिनके पास साधन और सुविधाएं नहीं हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हों, हमारी प्राथमिकता सदैव ब्राह्मण ही थे और रहेंगे, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम सब ब्राह्मणों को सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हैं जिसमें सिस्टम की वजह से हमारे ब्राह्मण भाइयों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उपेक्षित हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो। तो हमारी पहल ये रहेगी, हम किसी को दोष देने की बजाय हम उसका निराकरण ढूंढ रहे हैं, जिसमें हम समाज के अंदर ही कुछ ऐसी जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको निर्धारित कर लिया है, जिससे परमपिता परमेश्वर ने अगर चाहा तो बहुत जल्द ही हम लोग ऐसे समाज का निर्माण कर लेंगे जहाँ पर हम आर्थिक रूप से एक दूसरे को सक्षम भी बनाएंगे और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन कार्यक्रम में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, शहडोल।